Please subscribe to our channel, like and share the video to show some support. Dear friends, in this video we are going to talk about those topics which are likely to be asked in the coming exam. हम बात करेंगे इस्लामियत कंपलसरी के उन टॉपिक्स के बारे में जिनको प्रिपेयर करके आप आसानी से अपना CSS इस्लामियत लाजमी का पेपर हल कर सकते हैं. इसके अलावा इस वीडियो में एक शॉर्ट एग्जाम्पल भी मौजूद है, सो स्टे ट्यून्ड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम. सबसे पहले जिस टॉपिक की मैं बात करूंगी वो है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल. ये जो टॉपिक है इसमें से ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. आपने इसको हर डायमेंशन से प्रिपेयर करना है. हाउ ही वॉज एज एन इंडिविजुअल, हाउ ही वॉज एज अ डिप्लोमेट, हाउ ही वॉज एज एन एजुकेटर, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, एज ए पीस मेकर. अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में आए हुए हैं. देखें, 2019 के पेपर में आया है क्वेश्चन हाउ ही वॉज एज ए कमांडर. 2018 में होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ द प्रॉफिट ऑफ पीस एंड सेफ्टी एक्सप्लेन विद आर्ग्यूमेंट्स. 2017 में पीस मेकर के ऊपर आया हुआ है. और 2016 में डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट इन द लाइट ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद विद आर्ग्यूमेंट्स. जब आप ये चैप्टर प्रिपेयर करेंगे आपने इसकी कोई डायरेक्शन, कोई डायमेंशन नहीं छोड़नी. हर एक टॉपिक को विद आर्ग्यूमेंट्स, विद एविडेंसेस, विद एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी वो है सिलेबस का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इस्लाम. इसके अंदर इस्लामिक बिलीव्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल सोसाइटी एंड फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम एंड देन इस्लामिक वर्शिप्स, जिसके अंदर ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. इनके स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट्स, जितनी भी वर्शिप्स हैं, वेदर इट इज़ ज़कात, वेदर इट इज़ नमाज, वेदर इट इज़ रोज़ा, वेदर इट इज़ हज, इन सब के आपने सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट्स, इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, मॉरल के लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. इन सब डायमेंशंस में से किसी को भी छोड़ना नहीं है. अगर जिस बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो आप इंटरनेट से हेल्प लें, आप कहीं से भी सर्च करें और इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करें, अपने अलग नोट्स बना लें. क्योंकि देखें, अब हम पास पेपर्स के ऊपर अगर नज़र डालें तो 2019 में क्वेश्चन आया है राइट ए कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन हज एंड इट्स स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट्स. फिर तौहीद के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है विच इज़ अ बेसिक इस्लामिक बिलीफ, और उसके ऊपर उसका भी ये है कि उसके इंडिविजुअल लाइफ और सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं. फिर कॉम्प्रिहेंसिव नोट है ज़कात के ऊपर और उसके स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट्स. फिर उसके बाद 2017 में भी ज़कात के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है और क्लैरिफाई हाउ कैन पॉवर्टी बी एलिविएटेड विद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इस्लामिक सोसाइटी. 2016 में डिफाइन द मीनिंग ऑफ प्रेयर, नमाज के ऊपर क्वेश्चन है एंड देन उसके स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट्स को डिस्कस करना है. तो जब भी किसी भी वर्शिप के ऊपर क्वेश्चन आया है उसके सोशल, उसके मॉरल, उसके इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं, उनको ज़रूर एड्रेस करना है. उनको पूछा गया है तो इसलिए आपने इन डायमेंशंस को ज़रूर कंसिडर करना है ये वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हुए. आप इनके अंदर आयात डाल सकते हैं, कुरानिक वर्सेस डालें, अहादीस डालें इससे रिलेटेड इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए. फिर ये कि आप ये देखें कि 2019 में हज आया है, 2018 में ज़कात, 2017 में भी ज़कात और 2016 में प्रेयर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था. तो ये ऑल्टरनेट होते रहते हैं. देखिए, ज़कात सबसे ज़्यादा आया हुआ है. 2015 के पेपर में भी आई थिंक ज़कात का ही क्वेश्चन आया हुआ था. ये सारे रिवाइज सिलेबस से 2016 में रिवाइज हुआ है, उसके बाद के क्वेश्चंस हैं. तो प्रेयर आई है और उसके बाद ज़कात, फिर उसके बाद दोबारा ज़कात और 2019 में अब दो दफ़ा पिछले पेपर्स में ज़कात आ चुका था तो हज का क्वेश्चन आया है. मे बी नेक्स्ट
एग्ज़ाम के अंदर 2020 में दोबारा से ज़कात आ जाए या प्रेयर आ जाए या रोज़ा आ जाए, तो उसके आपने सोशल मॉरल और इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर, कलेक्टिव लाइफ के ऊपर जो भी इम्पैक्ट्स हैं वो ज़रूर स्टडी करने हैं। और ये बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुतालिक मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions। We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. Here is an Islamic civilization and culture ka chapter. इस चैप्टर के अंदर से भी ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में मॉरल वैल्यूज सिस्टम के ऊपर आया है, 2018 में डिस्क्राइब इन डिटेल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, 2018 में ही सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड एहसान के ऊपर आया हुआ है, 2017 के अंदर सेल्फ प्योरिफिकेशन के ऊपर, और 2016 में कल्चर एंड सिविलाइजेशन के ऊपर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर। तो आप ये देखें कि कंसेक्यूटिवली इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट लाइक प्रीवियस टू जो मैंने आपसे चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। देन कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसके अंदर इनहेरिटेंस आ जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट के इस्लाम किस तरह से एम्पावर करता है वुमेन को, या इस्लाम क्या राइट्स दे रहा है वुमेन को, फेमिनिज़म, और इनकी रेलिवेंस आपने देखनी होगी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ। और फिर पॉलिटिकल इश्यूज़, एक्सट्रीमिज़म, ह्यूमन राइट्स और फैमिली स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ों को आपने स्टडी करना है। फिर है एक क्वेश्चन जो 2019 में आया है, गिव सजेशंस टू रिफॉर्म पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है उसका आप कंपैरिजन करेंगे इस्लामिक सिस्टम के साथ, एक इस्लाम हमें क्या सिस्टम प्रोवाइड करता है और उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रेजेंट डे के सोसाइटी में या प्रेजेंट डे के पॉलिटिकल सिस्टम में। तो यू कैन आर्ग्यू लाइक दैट, यू कैन गिव योर सजेशन कि मॉड ऑफ इलेक्शन क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस एंड क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए। आप इसके अंदर किसी इस्लामिक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र को भी कोट कर सकते हैं, जैसे मवारदी है कि उन्होंने क्या क्वालिटीज़ बताई थी इमाम की, या फ़ाराबी है कि उन्होंने रईसुल अव्वल की क्या क्वालिटीज़ बताई थी, तो क्या मोड ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। देन काउंसल्स होनी चाहिए ताकि डिवीजन ऑफ वर्क हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सबको पता हो कि किसकी क्या है। मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए और जिसकी वजह से प्रोग्रेस होगी, ऑनेस्टी होगी तो प्रोग्रेस होगी। और इसके अंदर आप किसी और कंट्री की एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं, जैसे सिंगापुर है जहाँ पे उन्होंने मेरिटोक्रेसी, ऑनेस्टी और प्रगमेटिज्म का फार्मूला अप्लाई किया था, एंड वो सिक्स विद इन द स्पैन ऑफ 60 ईयर्स जो है बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी में स्टैंड कर रहे हैं। और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होगा तो जस्टिस होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी हर एक के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द पावर एंड रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन इन द सोसाइटी। ज़कात का सिस्टम होना चाहिए, वो सही होगा, वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ होगा तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और स्टेबल होगी, सिस्टम ऑफ सोशल सिक्योरिटी होगा उसकी वजह से, और हर इंडिविजुअल को पता होगा कि हमें हमारी स्टेट किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। रेफरेंस ऑफ कैलिफ्स आप दे सकते हैं कि जैसे हज़रत उमर ने किस तरह का मॉड ऑफ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया था, इसी तरह रेफरेंस ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स आप दे सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि आप किसी भी मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फ़ाराबी है, और हाउ ही टोल्ड के कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, 12 क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी स्टेट के का जो लीडर है उसके अंदर, और लीडर को इलेक्ट किस तरह से करना चाहिए, और अगर उस लीडर के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं तो फिर क्या मोड ऑफ इलेक्शन होगा, फिर क्या क्राइटेरिया होगा, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे।
और फिर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए या सेमी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अगर डेमोक्रेसी है तो वो प्रेसिडेंशियल होनी चाहिए या पार्लियामेंट्री होनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों में जो आपका स्टैंस होगा उसको सपोर्ट करते हुए आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप जाएँ और उसको सपोर्ट करते हुए आर्ग्यूमेंट्स दें और फिर फाइनली कंक्लूड कर दें। फिर इजमा एंड इज्तिहाद, इज्तिहाद का जो टॉपिक है उसमें से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 2018 में और 2017 में। तो देर इज़ अ फीलिंग कि मे बी 2019 में क्वेश्चन नहीं है तो 2020 में इसमें से क्वेश्चन आ जाए। दिस वाज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इस्लामियत कंपलसरी CSS. I hope this will be helpful for you for preparing the subject of Islamiyat compulsory. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.